हेलो दोस्तों, मैं निकिता। दोस्तों, ये जो आपने उल्टा सीधा खाना खा के, जंक फूड खा के, मैदा खा के, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इनको खा के जो अपना फैट बढ़ा लिया है, जो बेली फैट बढ़ा लिया, अपना फुल बॉडी फैट जो अपना बढ़ा लिया, अब उसको कम तो करना होगा। तो दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे ही आप अपना जो बेली फैट है वो कम कर सकते हैं, अपना जो फुल बॉडी फैट है उसको बर्न कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, आप मुझे या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए पास ही में दिख रही छोटी बेल को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को सामने की तरफ रखना है और वन बाय वन अपने पैरों को अपने हाथों से टच करना है। इस तरीके से आप टच करेंगे। चलिए काउंटिंग के साथ करेंगे 20 times। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बढ़ते नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है और क्रॉसिंग में अपने नीज को अपनी एल्बो से टच करना है। इस तरीके से आप टच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे भी हम 20 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। करेंगे हम जंपिंग जैक्स, हाथ हमारे सामने की तरफ इस तरीके से और फिर वापस। जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो आपके पैर ओपन होंगे और जब पैर मिलेंगे तो हाथ नीचे। करेंगे 20 टाइम्स काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। बढ़ते हमारी लास्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घुटने पे बैठ जाना है इस तरीके से और एक पैर को आपको साइड में बाहर की तरफ खोल देना है। ये हमारे साइड बेली फैट के लिए। अपने इस हाथ को ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और इस हाथ से अपने टोज को टच करेंगे इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4 आप फील करेंगे आपके साइड में स्ट्रेच आ रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरी साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को कूल डाउन करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। एक बार डीप इनहेल और जब एक्सहेल करेंगे, ब्रीदिंग को आउट करेंगे तो अपने मुंह से सांस को छोड़ेंगे। दो बार और करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। तो आज का वर्कआउट मेरा यहीं तक था। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने रैप्स करने हैं, कितने रेपिटेशंस करने हैं, कितने राउंड्स करने हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हो, आप बिगनर्स हो या आपको किसी एक्सरसाइज में डिफ़िकल्टी आती है, तो आप इसको धीरे धीरे स्टार्ट करिए, कम से कम 15 से 20। नहीं होता तो आप कम से कम 10 रेपिटेशन ज़रूर करिए और जो पहले से करते आ रहे हैं वो 25 to 30 और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ रेपिटेशंस बढ़ाते जाइए। आपको इन एक्सरसाइज के 3 राउंड्स कम्प्लीट करने हैं
और आपको कम से कम इनको वीक में डेली करना है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 डेज तो आपको करना ही करना है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको कम से कम 3 महीने इसे कंटिन्यू करना है और आप देखेंगे कि आपका जो बेली फैट है आपको उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपना रिजल्ट और अपना सजेशन देना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में आपके ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।